सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल अन्यू चैप्टर को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले। मटन कलेजी को हमने अच्छे से वॉश कर लेना है, जो कि जिसकी क्वांटिटी 500 ग्राम्स है, और प्रेशर कुकर में पानी ले लेना है। हमने मटन कलेजी को अच्छे से 5 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर देना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए और बनाने में आसान रहे। फाइव मिनट्स हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कलेजी है वो बहुत हार्ड हो गई है और अच्छे से क्लीन भी हो गई है। अब हम वन बाय वन इसको प्रेशर कुकर से बाहर किसी प्लेट या किसी बोल में निकाल लेंगे। हमें ये ध्यान से करना है क्योंकि अभी इस टाइम पे ये बहुत गर्म है। अब कलेजी को हमने बिल्कुल स्मॉल स्क्वायर पीसीस में काटना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने स्क्वायर पीसीस में इसकी कटिंग करनी है। सभी बिग पीसेस को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। अब एक पैन लेंगे। पैन में हमें 6 से 7 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेना है और मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें कलेजी की पीसेस ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून क्यूमिन यानी कि ज़ीरा ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें कलेजी के पीसेस को तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर। आप कोशिश करें कि आप कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालें, उससे तीखापन भी अच्छा आएगा और रंग भी अच्छा आएगा। इसे मिक्स कर देंगे ताकि रेड चिल्ली पाउडर अच्छे से इसके साथ मिल जाए। अब हम इसमें 5 से 6 टेबलस्पून टैमरिंड यानी कि इमली का पेस्ट डालेंगे। इमली को गर्म पानी में रख के उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल के ये पेस्ट बनाया जाता है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कलेजी पीसीस में कितना अच्छा कलर आया है। हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। टर्मरिक पाउडर से इसका कलर और भी निखर के आता है। उसके बाद हम 2 क्रश्ड बे लीव्स डालेंगे, बे लीव्स यानी कि तेज़पत्ता। और तेज़पत्ते के बाद हम 3 से 4 पीसेस ऑफ क्लोव्स यानी कि लौंग डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम थोड़ा वाटर डालेंगे
ताकि ये जले ना और जितने भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम अच्छे से सब कुछ मिक्स कर देंगे। मटन कलेजी को 5 to 6 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही चलाते रहिए। पाँच से छः मिनट बाद मटन कलेजी, जिसको हम कश्मीरी में सॉक सर्विंग भी कहते हैं, बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको किसी बोल में शिफ्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और आप यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। हमारा मटन कलेजी मसाला या सॉक सर्विंग बिल्कुल रेडी है।